नमस्कार, मैं अंशिका शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर देश भर में चूड़ी बनाने का सबसे बड़े सेंटर के तौर पर अपनी पहचान रखता है। ये शहर सुहाग नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। सुहागिनों के चेहरे पर चमक और हाथों में खनक देने वाला ये शहर इस बार किसकी जीत की खनक इसमें सुनाई देने वाली है, ये जानने के लिए पब्लिक फर्स्ट टीम पहुंची सबसे बड़े चूड़ी बाजार गली बोहरान में। देखिए पब्लिक फर्स्ट पर कैसे खुलकर बोलती है पब्लिक। नमस्कार, मैं हूं मुकेश बघेल और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट न्यूज़। और पब्लिक फर्स्ट न्यूज़ की टीम लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर दौरे कर रही है, लोगों से जान रही है क्या इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर मुद्दे रहेंगे और किस तरह की जनता के मन में जो उम्मीदें हैं अगली आने वाली सरकार से और पुरानी सरकार से क्या कार्यकाल रहा है, इस बारे में हम जनता से जानेंगे। हम इस समय फिरोजाबाद के चूड़ी व्यापारी, चूड़ी के जो सबसे बड़ा कारोबार होता है गली बोहरान, उसमें खड़े हुए हमारे साथ कुछ चूड़ी व्यापारी से, चूड़ी से जुड़े व्यापार से जुड़े लोग हैं। इनसे जानेंगे किस तरह की उम्मीदें हैं, क्या इस बार लोकसभा चुनाव में रहेगा और किस तरह की मन रहेगा। क्या नाम है आपका? अमन गुप्ता। अमन जी, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, बिल्कुल क्या लगता है इस बार किस तरह का मन है चूड़ी व्यापारियों का? चूड़ी व्यापारियों का फोकस तो हमेशा से व्यापार वर्ग भाजपा से जुड़ा है और भाजपा को ही सपोर्ट करता है। चूड़ी कारोबार में देखा गया गिरावट आई है, किस तरह की उम्मीद रहेंगे इस बार सरकार से? उम्मीद तो सरकार से बराबर है कि इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, फोकस दिया जाए चूड़ी की जो व्यापार है उस तरफ, कुछ योजना या कुछ ऐसे जिससे इसको बढ़ावा मिले। लेकिन हालांकि सुरक्षा के नज़र से देखा जाए तो भाजपा की सरकार हमेशा से व्यापारियों के लिए खड़ी रही है, उसके हित के लिए खड़ी रही है और हम भी भाजपा के साथ बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बड़ा वर्ग है जो यहाँ पर बीजेपी को सपोर्ट करता है और खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व उस पर सपोर्ट करता है। लेकिन कहीं ना कहीं चूड़ी उद्योग की हम जब बात करते हैं धरातल पे, तो कहीं ना कहीं चूड़ी उद्योग में हमेशा देखा गया है कि निराशा हाथ लगी है, तो इस बार किस तरह की उम्मीद रहेगी? उम्मीद तो है कि कहीं मतलब कोई परियोजना या बजट में एक चूड़ी को लेकर सरकार इस मुद्दे पर ध्यान दे, ये चीज़ की आशा तो हम कंटिन्यू बराबर कर रहे हैं। चूड़ी से लेकर कांच उद्योग से लेकर एक्सपाइजर कोई भी हो, इस चीज़ पर फोकस करे सरकार। बिल्कुल, कहीं ना कहीं चूड़ी उद्योग को लेकर लोग चिंतित हैं, जिसको लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस पर ध्यान देनी चाहिए। और हमारे साथ और भी लोग हैं, भाई हैं, क्या नाम है आपका? प्रमोद पालीवाल। प्रमोद जी, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, किस तरह की उम्मीदें हैं इस बार सरकार से? उम्मीद तो बहुत है, लेकिन इस बार अक्षय यादव के साथ सब मुकाबला है काफ़ी बीजेपी का, लेकिन हम लोगों का सपोर्ट तो हमेशा बीजेपी के साथ ही रहा है और हमें भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी सी उम्मीदें हैं कि वो चूड़ी पे, वैसे तो टैक्स नहीं है लेकिन जो उन्होंने गैस का कोटा दे रखा है वो चूड़ी और गैस ग्लास बियर को एक साथ दे रखा है, जिससे क्या है ग्लास बियर में टैक्स गैस की खपत ज़्यादा होती है, चूड़ी में कम होती है। उसके हिसाब से हमें सरकार से उम्मीद है कि वो चूड़ी को अलग से गैस का कोटा दे के उस पर काम करे थोड़ा सा। बिल्कुल, पुराने सांसद भारतीय जनता पार्टी से थे, पब्लिक ने जिता के भेजा था, किस तरह का कार्यकाल देखते हैं उनका? उनका कार्यकाल तो कुछ नहीं रहा सर, उनसे तो कोई उम्मीद नहीं हुई है, उनकी शक्ल भी नहीं देखी आज तक हमने फिरोजाबाद के। मानते हैं कहीं ना कहीं आपने मोदी के चेहरे पर वोट, मोदी के चेहरे पर हमेशा वोट दिया जाता है फिरोजाबाद से। बिल्कुल, से हर जगह क्या लगता है सांसद इस बार जो चुनाव प्रत्याशी उतारा, क्या उम्मीदें रहेंगी इस बार सांसद से? इस बार सांसद से यही उम्मीद है कि फिरोजाबाद के चूड़ी के ऊपर थोड़ा सा फोकस दे, ध्यान दे, जिससे कि शहर के विकास में चूड़ी का योगदान और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अच्छे यादव तो कह रहे हैं हम 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं जी, मैंने कहा ना मुकाबला बहुत टफ है इस बार, बहुत टफ मुकाबला है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उनको जीतने के लिए इस बार। क्या लगता है कि नाराज जनता को मना पाएंगे पुराने सांसद के कार्यकाल से? जी वो तो बीजेपी का वोट पक्का है, जो है बीजेपी को ही जाता है इस बार। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो चूड़ी उद्योग को लेकर जो गैस के कोटे की जब बात निकलती है तो कहीं ना कहीं उसको लेकर व्यापारी चिंतित हैं और नाराजगी व्यक्त करते हैं, जिसको लेकर सरकार से उम्मीदें भी लगाए बैठे हैं। हमारे साथ और भी भाई हैं, इनसे बात करें, क्या नाम है? नवीन गुप्ता। नवीन जी, चूड़ी उद्योग से आप जुड़े हुए हैं जी काफ़ी वर्षों से, जी बहुत पुराना कारोबार है, यहाँ पर पूरे विश्वविख्यात है, क्या उम्मीदें रहेंगी इस बार सरकार से? सरकार से यही उम्मीद है कि सबसे पहले तो गैस का जो कोटा चूड़ी के लिए अलग से निकालें तो उससे चूड़ी का कारोबार में बढ़ोतरी होगी, उम्मीद यही है सरकार से। देखा गया है कि काफ़ी कारखाने फिरोजाबाद में बंद होते देखे गए हैं,
तो क्या लगता है इस बार कोई नई परियोजना चूड़ी उद्योग को लेकर? हाँ, सरकार से यही उम्मीद है कि अच्छी से अच्छी एक योजना लाएगी कि उससे चूड़ी का कारोबार तरक्की अपने आप में तरक्की ले सके। क्या मानते हैं इस बार किस तरह का मुकाबला है फिरोजाबाद में? फिरोजाबाद में कड़ी टक्कर है समाजवादी पार्टी से, लेकिन उम्मीद पूरी है कि बीजेपी अच्छी जीत लेगी। बिल्कुल, हम फिरोजाबाद के व्यापारियों की अगर बात करें तो वो उनका साफ कहना कि प्रत्याशी की कोई अहम भूमिका यहाँ फिरोजाबाद में ज़्यादा नहीं देखी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर पर ये वोट करते हैं। हमारे साथ एक भाई हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? लव गुप्ता। लव जी, व्यापारी हैं आप जी, इस बार क्या उम्मीद रहेंगी? मोदी जी के चेहरे पर ही भाजपा को वोट दिया गया है और दिया जाएगा। प्रत्याशी कोई मायने नहीं रखता है, कोई मायने नहीं रखता है। तो प्रत्याशी से क्या उम्मीद रहेंगी? पहले वाले प्रत्याशी को भी कोई नहीं जानता था और ये भी नए प्रत्याशी आए हैं, एकदम उभर के निकल के आए एंड टाइम में, मोदी जी के चेहरे पर वोट दिया। ये तो पहले 2014 में बसपा से भी चुनाव लड़े जी, भाजपा भी, लेकिन मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे और उन्हीं के चेहरे पर वोट दिया जाए। बिल्कुल, फिरोजाबाद चूड़ी व्यापारियों की हम बात करें तो मोदी फैक्टर पर वोट करती है। हमारे साथ और भी भाई हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा संजीव गुप्ता। संजीव जी, लोकसभा चुनाव है, इस तरह की व्यापारियों को उम्मीद है इस बार? यहाँ कोई उम्मीद नहीं है, यहाँ से सपा जीतेगी और बीजेपी हारेगी। क्या लगता है, क्या किस तरह है? यहाँ कुछ नहीं करते बीजेपी वाले, और जो नया चेहरा है और कुछ जानता ही नहीं है, जो तो खाली अपना घर भरेगा। ये तो कह रहे हैं कि शिक्षा से जुड़े लोग हैं और कुछ नहीं, जो बहुत कोई जानता नहीं है, नया चेहरा है, कहाँ से उठा के कहाँ ले आए, नए नए लोगों को ले आते हैं। क्या उम्मीद रहेगी इस बार व्यापारियों को, क्या उम्मीद रहेगी, क्या मन में सोच कर वोट करेगी? ऐसा इनको वोट तो जो करे तो करे, वैसे सपा यहाँ आएगी तो काम बनेगा और बीजेपी कुछ नहीं करेगी। वो तो कह रहे हैं आपकी बार 400 पार। 400 का 200 ही आ जाए, 400 बहुत की बात है, 400 तो कह रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो सांसद की, वर्तमान सांसद की गैर हाजिरी में की भी जनता में नाराजगी है वो साफ तौर पर निकलती दिखती है। हमारे साथ और भी भाई हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अंकित गुप्ता। अंकित जी, चूड़ी व्यापारी से आप जुड़े हैं, चूड़ी उद्योग से क्या उम्मीद रहेंगे युवा पीढ़ी से? युवा पीढ़ी से यही उम्मीद है कि बिजनेस में अभी ठीक है, फिलहाल जो भी चल रहा है वैसा ठीक काम है। चूड़ी उद्योग को लेकर आपके क्या मन में रहेगा इस बार के सरकार को वोट करने से पहले? कुछ नहीं है, सब ठीक है, जो भी है, ट्रेन वगैरह की बस थोड़ी सी परेशानी है, व्यापारियों को आने जाने की भी दिक्कत है, सबसे ज्यादा दिक्कत है। तो सरकार को इस पे किस तरह की मांग रहेगी व्यापारियों को? जो ट्रेनें रुक सकती हैं यहाँ पे रोकने की पूरी। बिल्कुल, हमारे साथ एक बाबूजी हैं जो चूड़ी उद्योग के फिरोजाबाद के जाने माने चेहरे भी माने जाते हैं, इनसे बात करेंगे। बाबूजी, क्या नाम है आपका? अश्विनी कुमार गुप्ता। बाबूजी, चूड़ी उद्योग को लेकर आप चूड़ी व्यापारी हैं जी, चूड़ी उद्योग को लेकर इस बार किस तरह का मन रहेगा, चूड़ी उद्योग व्यापारियों का क्या मन रहेगा और क्या मन में रखकर इस बार वोट किया जाएगा? देखिए, लोकल का सांसद है, कभी भी हाथ पकड़ के उठा सकते हैं, फिरोजाबाद की मूलभूत समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा जी, हमारी प्रत्याशी से पूरी बात हो चुकी है फिरोजाबाद के लिए, लेकिन डबल इंजन की सरकार, ऊपर मोदी नीचे योगी, बेखौफ आदमी वोट डाल रहा है और डालेगा, विश्वजीत ठाकुर को कोई रोक नहीं सकता है, ये दावा है फिरोजाबाद शहर के हर नागरिक का। पिछली बार भी लोकल सांसद ही थे, फिरोजाबाद से ही थे, लेकिन सेन जाधव जी, लेकिन लोगों का कहना कि वो क्षेत्र में ही नहीं आए। हाँ, क्षेत्र में नहीं आए, लेकिन काम हुआ वो इलेक्शन में भी। ज्यादातर जनता ने कहा है कि हमारे यहाँ विकास कार्य करने तो छोड़िए, देखने तक नहीं आए। तो उस बार चूड़ी उद्योग को लेकर आप क्या उम्मीद करेंगे? चूड़ी उद्योग के लिए बहुत उम्मीद है, कोई नुकसान का घर नहीं है। व्यापारी कह रहे हैं गैस का कोटा बढ़ाया जाएगा, थोड़ा गैस का कोटा, फिरोजाबाद ट्रेनों का स्टॉपेज बहुत आवश्यक है, बस दो काम की, और कोई सब्सिडी मिले उद्योग के लिए ध्यान दिया जाए, केंद्र सरकार की आवश्यकता है इस काम के लिए, वो इसमें से ध्यान दे, विशेषकर सुहाग नगरी के लिए बहुत बड़ा राजस्व जाता है इस फिरोजाबाद से, विश्व विख्यात है चूड़ी फिरोजाबाद की, और वो देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब वो उसकी खनक फीकी पड़ती रही, खनक थोड़ी बहुत तो फीकी है, लेकिन काम किसी का नहीं रुक रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो चूड़ी उद्योग से जुड़े लोग हैं वो कहीं ना कहीं मोदी के चेहरे पे वोट करते हैं और कहीं ना कहीं इस बार की उम्मीद भी करते हैं कि चूड़ी व्यापार को लेकर कहीं ना कहीं जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, उसको ध्यान देना चाहिए, और वो इस बात को भी साफ तौर पर हम नकार नहीं सकते कि कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर पर हमेशा वोट करती आई है और आगे भी इसी वोट करने की, मोदी फैक्टर पर बात वोट करने की बात कर रही है। अपने सहयोगी विजय के साथ मुकेश कुमार बघेल। तो सुहाग नगरी फिरोजाबाद की पब्लिक के विचार तो आपने जान ही लिए, लेकिन आप क्या सोचते हैं, अपने विचार हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर जरूर बताएं। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट,
सर्वदा भारतीय।